2021 या 22 के अंदर हम लोग इस लोकेशन पे पहुंचे थे पहले बार यार। हमको वहाँ पे दानिश भाई के जो कार के पार्ट्स है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना गाइज, तो उस टाइम ये यहाँ से पूरा फट गया था डिवाइडर के लग के, वो डिवाइडर वहाँ पे टूटा पड़ा है। उस लोकेशन पे पहुंचे जहाँ पे दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना गाइज। कई ऐसी सारी चीज़ें जो संभाल के रखी है, ये दानिश भाई का वही शूज है गाइज जहाँ पे एक्सीडेंट होते समय गाड़ी से निकल कर बाहर गिर गया था। दानिश भाई का वो मोबाइल जो उस वक्त 2018 के अंदर दानिश भाई यूज़ करते थे इसको। 20 दिसंबर 2018 गाइस, काफ़ी बुरा दिन था यार। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल MK की पावर में। तो गाइस लोकेशन आप लोग देख सकते हो यार, वहीं पनवल का हाईवे है जहां पे अपने भाई दानिश जैन का एक्सीडेंट हुआ था। आज वापस उसी लोकेशन पर आया हूं मैं। इस लोकेशन पे नहीं आता, लेकिन अभी आप सभी को पता है यूट्यूब पर यार एक ट्रेंड चल रहा है, दानिश भाई का कमबैक हो गया यार। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दानिश भाई का कमबैक आज 2024 के अंदर नहीं हुआ, वो शुरू से ही है यार। जब से दानिश भाई इस दुनिया को छोड़ के गए थे, कुछ टाइम बाद में वापस दानिश भाई का कमबैक हो गया था इस दुनिया के अंदर। और दानिश भाई जो है ना, हमेशा अपने दिल के अंदर ज़िंदा रहेंगे यार। वो भले इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन हमारे लिए आज भी इस दुनिया में ही है और हमारे दिल में आज भी ज़िंदा है दानिश भाई यार। अभी कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दानिश भाई के नाम पे व्यूज़ ले रहे हैं यार, और दानिश भाई के नाम पे रोस्ट वीडियो बना रहे हैं। वो दानिश भाई को रोस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लो यार तुम लोग, ये गलत बात है। दानिश भाई के नाम पे मतलब गलत वीडियो तुम लोग बना रहे हो। हालांकि हम जो काम कर रहे हैं वो एक अलग है यार। हम उस लोकेशन पे जहाँ पे दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और आज गाइस मैं दानिश भाई से जुड़ी पुरानी यादें जो मेरी गाड़ी में लेकर आया हूँ, भैया गाड़ी इधर खड़ी है एक बार दिखा दो यार। तो गाइस इस गाड़ी के अंदर मैं दानिश भाई की जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, यादें हैं, दानिश भाई की कार जहाँ पे एक्सीडेंट हुई थी उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेरी गाड़ी के अंदर पड़ी है। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट बार इन्वेस्टिगेशन करी थी इस लोकेशन की सुरेंद्र भाई, शायद 2021 या 22 का टाइम था, है ना? हाँ 2021। तो गाइस 2021 या 22 के अंदर हम लोग इस लोकेशन पे पहुँचे थे पहले बार यार। जब हम लोगों ने इस लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन करी जाँच पड़ताल, तो हमको वहाँ पर दानिश भाई के जो कार के पार्ट्स हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है, और वो एक एक वीडियो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, आज भी अपलोड है चैनल पे यार। तो जो भी चीज़ें वो सब लोग पूरा रियल दिखाते हैं यार। और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं इस चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार दानिश भाई की वीडियो के अंदर उन यूट्यूबर्स का नाम आवे, क्योंकि गाइज उन्होंने दानिश भाई को रोस्ट किया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिन्होंने रोस्ट किया उनका नाम इस वीडियो के अंदर लूँ। बाकी वो वीडियो देख रहे तो समझ जाना और सुधर जाना यार, आगे से रोस्ट वीडियो मत निकालना दानिश भाई के ऊपर। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आ जाओ सुरेंद्र भाई। तो गाइस दानिश भाई से अगर आप लोग प्यार करते हो ना सच्चे दिल से, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लव यू दानिश भाई जरूर लिख देना, और मैं जो दानिश भाई से जुड़ी चीज़ें वो आप लोगों को दिखाता हूँ। आ जाओ सुरेंद्र भाई। आज मैं गाइस माइक का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हाईवे बंद होने के बाद में जो गाड़ियाँ दिख रही है, एक बार गाड़ी दिखा दो, वो देखो जा रही गाड़ी। तो गाइस ऊपर से हाईवे निकाल दिया गया है, ये हाईवे काफ़ी समय से बंद है जब से दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ। गाइस पूरा रोड बंद कर दिया है, इस रोड पे काफ़ी सारा काम भी हो चुका है, मैंने वीडियो बनाई रिसेंट में, वो सारी अपलोड है, चैनल पे जाके देख लेना यार कि क्या क्या काम हुआ है क्या क्या नहीं है। बाकी आज भी इस पावर हाउस के अंदर लाइटें जलती है यार। ये मैं डिग्गी खोल देता हूँ। हाँ भाई। तो गाइस डिग्गी मैंने खोल दी है, आ जाओ भाई। ये देखो इधर देखता हूँ गाइस। सबसे पहले तो यार आप लोग ये टायर देखो, टायर में बाहर निकाल दूँ भैया यार, देखो टायर में बाहर निकाल ही देता हूँ। ये देखो भाई, आप कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई ये आपकी स्टेपनी है यार, तो मेरी स्टेपनी जो है यहाँ पे रखी इधर हो। पहली बात तो ये मेरी गाड़ी का नंबर ही नहीं है, इसमें आएगा नहीं, ये पड़ी है मेरी गाड़ी का टायर का स्टेपनी। ये देखो बिल्कुल तैयार पड़ी अपनी। इस टायर को मैंने पहले भी दिखाया था वीडियो के अंदर यार, एक स्पेशल वीडियो अपलोड है चैनल के ऊपर, जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। सेम वही टायर है, आज भी मैंने इसको संभाल के रखा है। दानिश भाई के घर वालों को भी मैंने ये टायर दिया था, लेकिन उन्होंने इस टायर को लेने से बिल्कुल मना कर दिया। हालाँकि हम लोगों ने भी बोला है कि यार देखो अंकल आंटी जी, ये टायर हम लोग रखना चाहते हैं,
क्योंकि दानिश भाई के हम लोग काफ़ी बड़े फ़ैन हैं और उनकी यादों को हम लोग संभाल के रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमको परमिशन दी है और हमारे पास में जब से ये टायर पड़ा है यार, ये आज भी फटा पड़ा है। देखो ये टायर, जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना गाइज, तो उस टाइम ये यहाँ से पूरा फट गया था डिवाइडर के लग के, वो डिवाइडर वहाँ पर टूटा पड़ा है। और जब से हम लोगों ने इस टायर को संभाल के रखा है, ये देखो काफ़ी सारी धूल मिट्टी जम गई भी है प्रेसेंट। ऐसे घर पे पड़ा रखा था गाइस, तो गाड़ी में डिग्गी में डाला हम लोगों ने, रोटा के लेके आ गए और उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पे दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना गाइस। क्योंकि हो गया ये और भी चीज़ें बड़ी है देखो गाइस, इस थैले के अंदर भी हम लोगों ने कई ऐसी सारी चीज़ें जो संभाल के रखी है। ये दानिश भाई की गाड़ी की स्टेपनी का टायर है, स्टेपनी का क्या गाड़ी का टायर का वो बिल्कुल है, इस पर भी धूल जम रही है यार भैया, ये देखो पूरा गंदा हो रहा है यार। ये भी है उनकी गाड़ी का वो कुछ पार्ट्स है यार, है ना, चाली है गाड़ी की, दानिश भाई की गाड़ी का इंजन का मतलब वो है, ये रेटर की वो है, हाँ रेटर की जाली है जिसको फिल्टर वगैरह बोल सकते हो। ये देखो पूरा काला पड़ा है गाइस, ये देखो यार चलो उल्टा कर दो। हाँ ये देखो शूज भाई यार, ये दानिश भाई का वही शूज है गाइस जहाँ पे एक्सीडेंट होते समय गाड़ी से निकलकर बाहर गिर गया था, और ये शूज हमको यहाँ पे मिला था यार। आज भी हम लोगों ने संभाल के रखा है, हर एक चीज़ को हम लोगों ने संभाल के रखा है क्योंकि दानिश भाई से हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और दानिश भाई के काफ़ी बड़े फ़ैन है यार। ये देखो दानिश भाई का वो मोबाइल जो उस वक्त 2018 के अंदर दानिश भाई यूज़ करते थे, इसको यार फ़ोन बिल्कुल फूटा पड़ा है गाइस, उस वक्त चालू करवाया था लेकिन आज पता नहीं क्या कंडीशन है इसकी, आप लोग सामने देख सकते हो कौन सी कंपनी का है, ये जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि ब्रांड प्रमोशन हम लोग कर नहीं रहे, बस फ़ोन दिखा रहे दानिश भाई का। ये वही फ़ोन है जो 2018 के अंदर दानिश भाई यूज़ करते थे यार, आज भी हमारे पास में पड़ा है। ये देखो सुरेंद्र भाई, ये देखो गाड़ी की आरसी, तो भाई मैं ब्लर कर दूंगा, ये देखो यार दानिश भाई की गाड़ी की आरसी है जो आज भी हम लोगों ने संभाल के रखी है, और मतलब काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हमारे पास में पड़ी है जो हम लोगों ने अभी तक संभाल के रखी है यार। और भी चीज़ें देखो भाई, दानिश भाई की वॉच, हाँ यार गाइस दानिश भाई उस टाइम वॉच को यूज़ करते थे यार, आज भी हम लोगों ने संभाल के रखी है, मिट्टी वगैरह लगी है हम लोगों ने साफ नहीं किया, थैले में के अंदर पड़ी थी वैसे वैसे हम लोग उठा के लेके आ गए यार। ये उनका म्यूजिक सिस्टम था गाड़ी का ना, हाँ भाई जो जो चीज़ें हम लोगों को उस टाइम मिली थी यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं गाइस, बाकी जो था वो हम लोगों ने दिखा दिया है। अगर आप लोगों को दानिश भाई की गाड़ी जो आज की तारीख में भंगार होके पड़ी है वो वीडियो देखनी है तो स्पेशल कमेंट कर देना मेरे को, मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, दानिश भाई की पूरी कार दिखाऊँगा उसमें यार। हम लोगों को पता है वो कहाँ पे है और किस लोकेशन पे है, तो हम लोगों को पता है वो आप लोगों को, बाकी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो गाइज़ वो वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगा। और अब जो है हम थोड़ा सा यार आज इस लोकेशन पर लौटे हैं, तो गाइज़ सोचा क्यों ना दानिश भाई की याद को ताज़ा करते हुए दानिश भाई की तस्वीर के सामने थोड़ा अगरबत्ती कर लेते, तो साथ में हम लोग दानिश भाई की जो तस्वीर है वो लेकर आए थे और कुछ अगरबत्ती है जो हम लोग लेकर आए। सुरेंद्र भाई दानिश भाई की फ़ोटो यहीं लगा लेते यार, हाँ भाई ये थोड़ा सा आगे लगा लेते हैं यहाँ पे। तो भाई लोकेशन वही है, यहाँ लगा लेते भाई यार, हाँ इधर लगा लो भाई, गाइस दानिश भाई तस्वीर के सामने बैठे यार, ऐसा नहीं लगता कि दानिश भाई इस दुनिया में नहीं है, हमेशा हमको ऐसा ही लगता है कि दानिश भाई हमारे आसपास में ही है और इसी दुनिया में है यार। गाइस काफ़ी लेजेंड इंसान थे, हम सबको कुछ ना कुछ सिखा के ही गए यार गाइस, जो भी है आज दानिश भाई की बदौलत है। बाकी दानिश भाई तस्वीर के सामने बैठे, एक बार सुरेंद्र भाई तस्वीर को पास में से दिखाओ जब तक मैं अगरबत्ती लेकर आता हूँ यार। हाँ भाई तो गाइस दानिश भाई को देख सकते हो आप लोग बिल्कुल तस्वीर के अंदर, जहाँ पे दानिश भाई की डेथ हुई थी ना वो तारीख दिखा दो यार एक बार, 20 दिसंबर 2018 गाइस, ये 20 दिसंबर 2018 गाइस काफ़ी बुरा दिन था यार, उस दिन दानिश भाई के साथ में बहुत बुरा हुआ, हालांकि उस चीज़ को हम लोग अभी याद नहीं करते। बाकी दानिश भाई की तस्वीर के सामने मैं अगरबत्ती करता हूँ, सुरेंद्र भाई आप ध्यान रखना कैमरे में, ठीक है ना, ठीक भाई ठीक है, लाइटर था ना मेरे पास में यार। गाइस एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि यार मुझे पता है इस चैनल पे जो है यार दानिश भाई के फैंस लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं,
और मुझे पता है वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों का बस एक ही कमेंट चाहिए, लव यू दानिश भाई। यार प्यार करते हो ना आप लोग दानिश भाई से, तो प्लीज़ दानिश भाई के लिए कमेंट बॉक्स में लव यू दानिश भाई जरूर लिख देना। मिस यू मत लिखना, लव यू दानिश भाई, क्योंकि अपने भाई जो इसी दुनिया में है और आज हम सबको देख रहे हैं यार, ठीक है ना गाइस। तो लव यू दानिश भाई जरूर लिख देना यार। जो रोस्टर है उन सबको इग्नोर मारो, वो साले ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे यार दानिश भाई पे, तो उन सबको इग्नोर करना है। और दानिश भाई की फ़ैन फॉलोइंग से मैं यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके लव यू दानिश भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना यार। टाइम जो गाइस मैं अभी आप लोगों को बताऊँ यार, तो टाइम जो हो रहा है अभी 1:35 हो रही है गाइस रात की यार। 1:35 पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ है। सुरेंद्र भाई मैं अगरबत्ती कर लूँ यार। हाँ भाई, आप में से कई भाइयों को ऐसा लगता नहीं कि यार ये लोकेशन अलग है गलत है, तो लोकेशन चेक कर लेना आप लोग। शुरू से लेकर आज तक की सारी वीडियो के अंदर यही लोकेशन है, कोई चेंज लोकेशन नहीं है, और ये वही लोकेशन है जहाँ पे दानिश भाई का एक्सीडेंट हुआ था यार। मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं, उन सबको सब पता है यार। जो नए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं, और आप भी देखना। भाई यार तस्वीर के अंदर दानिश भाई को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे सामने बैठे हैं यार, लेकिन भाई कहीं ना कहीं से हमको देख तो रहा होगा। गाइस यार भाई को पता है कि हम लोग हमेशा इस लोकेशन पे आते हैं और उनको याद करते हैं हमेशा, और बस भाई की जो यादें वो हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए गाइस यार। भले ही भाई हमारे साथ में नहीं है, लेकिन भाई की जो यादें ना उन सबको ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए, और आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा बढ़ाओ यार। एक बार लोकेशन चेक करवाते भाइयों को यार, है ना। हाँ भाई, और तो गाइस एक बार मैं आप लोगों को आगे की ओर लेके चलता हूँ, जिस जगह पे दानिश भाई की जो कार है वो टकराई थी। आ जाओ भाई, ये देखो डिवाइडर टूटा पड़ा है भैया, अभी डिवाइडर को ठीक करवा दिया उनके पिताजी ने गाइस, क्योंकि रोड का भी काफी काम हुआ था। और जो है ये देखो, इसी जगह पे गाइस दानिश भाई की जो कार है वो टकराई थी, और जो भी मतलब हादसा हुआ था इसी जगह पे हुआ था यार। बाकी रोड पूरा बंद पड़ा है, शुरू से लेके अब तक वीडियो देख रहे होंगे कोई भी गाड़ी इस रोड से नहीं गुजरी है, पूरा रोड बंद पड़ा है गाइस, हमारी गाड़ी के अलावा और कोई भी गाड़ी नहीं। आगे चले भी सुरेंद्र भाई, चलो भाई। ये क्या चीज पड़ी है? ओ भाई हां, चलो सामने कौन है? हां भाई, कौन है भाई? भाई पीछे रो, पीछे रो सुरेंद्र भाई, पीछे रो, पीछे रो, पीछे रो, पीछे रो सुरेंद्र भाई, पीछे रो, पीछे रो। भाई भाई अचानक कौन है यार? हां कौन है, कौन है भाई? गाइस वो देखो व्हाइट कपड़ों के अंदर यार। भाई भाई सुरेंद्र भाई, रात का समय भी काफी ज्यादा हो चुका है यार। हां कहीं ऐसा तो नहीं दानिश भाई की आत्मा है? भाई भाई वो देखो सामने अचानक से निकल कर आई भाई यार। भाई दानिश जी पीछे रो, सुरेंद्र भाई पीछे रो, पीछे रो, गाड़ी का कुछ नहीं हुआ, पीछे रो तुम यार, पीछे रो। क्या गाड़ी आ रही? वो इधर ही आ रही गाड़ी के, देखो गाड़ी के पीछे सुरेंद्र भाई, गाड़ी के पीछे वो देखो, गाड़ी पीछे वो, गाड़ी के पीछे यार। गाइस समय है ना देखो आप लोग, रात का 1:00 ऊपर यार। देखो ओ भाई 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 भाई, रुको रुको वो जा रही है इधर। हो कहाँ जा रही है? और भाई वो वापस जा रही है यार, ये जा रही है भाई। गाइस वो देखो यार, नोटिस करो भाई सुरेंद्र भाई, कैमरा एक जगह पर रुको यार, वो देखो देखो यार भाई भाई, कैमरा कैप्चर रखना भाई, कैमरा कैप्चर रखना गाइस, बिल्कुल लाइव आप लोग देख सकते हो, आप ये आंखों के सामने है यार। कहाँ जा रही, कहाँ जा रही उधर? हाँ उधर कहाँ जा रही, कौन हो सकता है यार भाई? गाइस व्हाइट कपड़ों के अंदर उधर से निकल कर आया और देखो उधर गया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई भाई यार, चलो चलो पीछे करते। हाँ मेरे को एक बात समझ में नहीं आई सुरेंद्र भाई यार। हाँ ये गाड़ी के पीछे आकर वापस चली गई, ऐसा क्या हुआ? चभी तो हाँ एक मिनट, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ सुरेंद्र भाई,
आपको कुछ लग रहा भी है गाय पे यहाँ से? क्या चीज? इधर आना भाई। क्या हुआ? कुछ ना कुछ गाय पे मेरे को ऐसा लग रहा भाई यार। भाई भाई बता आपको। जाली तो ये पड़ी है। क्या क्या लेकर आए तुम? शूज ये पड़ा है, आरसी गाड़ी की, इसमें है म्यूजिक सिस्टम। भाई क्या हो? इसमें से यार क्या चीज? घड़ी और फोन गाय पे यार। हाँ वॉच और फोन गाय पे। हाँ भाई। हाँ बैग में नहीं है क्या? बैग में नहीं है, देख लो गाइस, बैग में कुछ भी नहीं है। और घड़ी आ गई होगा। घड़ी और फोन गाय पे भाई यार। हाँ घड़ी फोन गाय पे कहाँ है भाई? एक मिनट इधर देख लेना, इसमें तो नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। इस पे तो रखे हुए थे यार वो तो। आ गए। हाँ इधर गए। अचानक कहाँ चले गए थे यार भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है भाई, वो जो इधर से निकल कर आया था वो लेके चला गया। वो चोर फोन ले गए वो। लेकिन वो क्यों ले जाएगा भाई यार? लग रही मेरे को मतलब फोन और घड़ी क्यों लेके जाएगा तू यार? हाँ तो भाई वो दाने से भाई ये जब तो मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस, कहीं ना कहीं दानिश भाई की जो आत्मा है वो यहाँ से निकल कर आई और उसकी घड़ी और फोन लेकर चली गई यार। तभी तो, क्योंकि गाइस हम इस सामान को कई सालों के बाद में इस लोकेशन पर लेकर आए थे, हो सकता है दानिश भाई की आत्माओं को इस चीज की जरूरत हो यार। यही तो बात है भाई। एक मिनट इधर आओ भाई, तस्वीर के पास में आओ। दानिश भैया क्या आप यहाँ पर हो? अगर आप यहाँ पर हो तो प्लीज एक बार हमारे सामने वापस आओ। टाइम ज्यादा हो गया भाई यार। भाई क्या करे कुछ सुन नहीं कोई यार। लेकिन वो चीज मोबाइल वगैरह किसे लेके जा सकती है यार? कुछ तो फंडा है भाई इस लोकेशन पे, कुछ ना कुछ है भाई राज्य कुछ ना। गाइस जब भी हम इस लोकेशन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते कसम से यार, हर बार ये आत्मा आती है और कुछ ना कुछ डिमांड करती है। मतलब यार कहीं ना कहीं इसी सामान के लिए तो नहीं कर रही थी भाई वो इतने टाइम तक। हाँ जब भी तो देखो नुकसान कुछ नहीं पहुंचाई उसने, आई उठा के ले गई, आ गई और उठा के लेके चली गई और नुकसान कुछ नहीं पहुंचाई अपन को। जब भी तो गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, एक बार आगे चलकर आवेगी भाई। चलो आ जाओ, इधर से गई थी वो पहले। हाँ आ जाओ, आगे आओ आगे आओ। यार बढ़िया, तुम भी तो बात है, ये तो मतलब फोन और घड़ी लेके चली गई यार, ऐसा क्या हुआ यार? कुछ संदेह तो नहीं देना चाहती है भाई यार? हाँ सुरेंद्र कर मेरी बात सुनो यार। क्या हुआ? कोई लफड़ा हो सकता है क्या? क्या हुआ? आप है ना। हाँ भाई सबसे पहले कैमरा बंद करो और अपन यहाँ से निकलते हैं। क्या क्या हो गया? क्या निकलना पड़ेगा अपन को यार? क्या हो गया? अचानक से फोन और वो वॉच गाय पे यार। अब ये यार पता नहीं ना दानिश भाई की आत्मा थी या किसकी थी वो। हाँ ये भी अपन नहीं कह सकते कोई, या कोई इंसान था या कोई चोर था वो, ये भी तो हो सकता भाई। हो सकता भाई, क्योंकि यार दानिश भाई का फोन और उसकी काफी पुरानी याद है गाइस, उस चीज को हम लोग ऐसे नहीं खोने देंगे, उस चीज का कुछ ना कुछ पता लगाएंगे। जो भी पता लगेगा वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा किसी और वीडियो के अंदर। बाकी हम लोग यहाँ से अभी कैमरा ऑफ करके निकलते। सुरेंद्र भाई आ जाओ फटाफट से। चलो कैमरा ऑफ कर दो भाई, कैमरा ऑफ कर दो आप। चलो चलो कैमरा ऑफ कर दो भाई फटाफट से। चलो जल्दी आ जाओ भाई।